सेवन सीज के साथ मेरा बहुत ही लंबा एसोसिएशन है. जब से पहली बार हिंदुस्तान में इन्होंने एक ये पूरा अपना स्प्रेड किया द होल बिजनेस एक्चुअली इन अ वे सिंस देन आई हैव बीन एसोसिएटेड विद देम एंड इसको हो गए काफ़ी साल. मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ इनका एक जो अप्रोच है ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक बिजनेस कंपनी हैं और हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं, ऐसा सोचनी है. ये वाकई में जेन्युइनली एक आगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन हैं उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको एक ब्राइटर फ्यूचर की तरफ लेके जाना चाहते हैं. इट्स नॉट ओनली थ्रू न्यूट्रिशन जैसे कि आज का इनिशिएटिव था, इट इज़ ऑल्सो थ्रू एडुकेशन. तो एक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, तो बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर एक अवेयरनेस लोगों में भी ये भी पहलती है कि अगर हमारे बच्चे इस मुकाम तक पहुंच रहे हैं जहां वो जनरल नॉलेज में एक्सेल कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या है. उसके पीछे बहुत ही ज़रूरी है माँ बाप को ये भी जो है ना पाल पोषण होता है वो बहुत ज़रूरी होता है. तो उस न्यूट्रिशन बैलेंस को कैसे रखना चाहिए जो हमारी बॉडी को ज़रूरतें हैं, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए, वो किस तरीके से ब्रेन डेवलपमेंट और एक बॉडी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. तो इस बात को बढ़ावा देना चाहते हैं टू अ हेल्दियर एंड अ ब्राइटर एंड अ मोर इंटेलिजेंट फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन. सो आई थिंक दैट टच्ड मी अ लॉट एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद देम फॉर अ कॉज लाइक दिस. No, I was not this smart. But these are super kids. They are very, very smart kids. Sir, tell us something your experience working with Raveena. Ms. Raveena has been extremely hands-on working with 7Cs. She's been an ambassador for us for 5 years now, roughly, or a little bit more than that. And she is one of the evangelists for 7Cs as a user, as a mother. And so we're very glad to have her on our team. मैं बिल्कुल डिफ़िकल्टी फेस नहीं कर रही हूँ. लकीली बच्चों के पिगी बैंक्स में छुट्टे काफ़ी थे जो हम सब तोड़ के यूज़ कर रहे हैं. तो बट आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट थिंग, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा. अगर हमारे देश को सुधार की तरफ लाना है तो थोड़ी तकलीफें हम आम जनता को और हम लोगों को भी सहनी पड़ेंगी, लेकिन आप आगे की तरफ अगर देखेंगे तो सुधार ही होगा. आप जिस तरीके से देख रहे हैं वीडियोस वगैरह, लोग जो पोस्ट कर रहे हैं, जो लोग करेंसियां जला रहे हैं, वो सब फेक नोट्स हैं, वो सब जाली नोट्स हैं. तो आप समझिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे सफ़र कर रही है. और ये जहाँ पे मैं तो लोगों को बोलती हूँ, आप लोग US एम्बेसी की वीज़ा लेने जाते हो तो 3 दिन लाइन में खड़े होते हो, वो आपके लिए ठीक है, लेकिन आप अपने देश की सुधार के लिए थोड़ी 2-3 दिन की तकलीफें नहीं सह सकते हो. तो आप फ्यूचर की सोचिए एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव. जो सारा धन एक्चुअली हमारे देश के बढ़ावे के लिए लगना चाहिए था वो लोगों ने छुपा छुपा के रखा था और वो सब अब निकल रहा है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट मूव, इट्स अ वेरी ब्रेव, वेरी गट्सी मूव. मतलब उनको ये फिक्र नहीं है कि मैं अगले इलेक्शन में हार जाऊँगा या जीत जाऊँगा, उनको ये है कि मैं जब तक हूँ शायद मैं कंट्री सुधार के जाऊँ, और वो एक गट्स वाली बात है. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस. थैंक यू. वेयर इज रवि? रवि Thank you.